वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंत्र स्वयं गुरु जी ने बताया है। कोई भी व्यक्ति अगर पीपल के वृक्ष को छूकर इस मंत्र को बोलता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह तुरंत ही उसी समय पूरी हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवों का निवास माना जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस वृक्ष में वास करते हैं। इसलिए जिन भी लोगों को पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है या शनि दोष होता है तो उन्हें पीपल से संबंधित उपाय करना चाहिए। शनि दोष वालों को ये उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि पीपल से जुड़े उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और जल्दी असर दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पीपल के वृक्ष के सामने बोलने मात्र से व्यक्ति की हर इच्छा उसी समय पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारे द्वारा बताए जाने वाले इस उपाय को आप ध्यान से सुन लें क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से नहीं कर पाए तो आपको इसका पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है जिसका असर कभी भी खाली नहीं जाता। अगर इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति अगर पूरे विधि विधान के साथ कर ले तो केवल मिनट भर में ही यह प्रयोग अपना असर दिखाने लगता है। अब बताते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या क्या वस्तुएं चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग का पेन का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग के पेन का इस्तेमाल। कोई भी लाल रंग का स्याही या फिर लाल रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं जो कि इस उपाय के लिए बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें आप पीपल के पत्ते पर आसानी से अपनी इच्छा को लिख सकेंगे। ध्यान रखना है कि लिखते समय पीपल का पत्ता फट न जाए। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं और यह लाल रंग का स्केच पेन अपने पास रख लें। दोस्तों, आपको ऐसा पीपल का पत्ता लेना है जो एकदम साफ सुथरा हो तथा कहीं से भी कटा फटा न हो और उस पत्ते को आपको पीपल के पेड़ के तने से जुड़ा हुआ रहने देना है। बल्कि पेड़ में ही जुड़ा हुआ रहे पत्ता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको उसे अलग नहीं करना है। अब इस प्रयोग की शुरुआत आपको शनिवार के दिन से ही करनी है, ये ध्यान रहे, और लगातार 7 दिन तक इस प्रयोग को आपको करते रहना है। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर लाल रंग से लिखकर उस पत्ते को मोड़कर आपको कलेवा बांध देना है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपकी इच्छा पैसों से जुड़ी हुई है या फिर प्यार से जुड़ी हुई है तो आपको लाल रंग का धागा बांधना है। लेकिन अगर आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने की है तो आपको लाल रंग का धागे का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि काले रंग के धागे का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, इन छोटी छोटी सी सावधानियों से अगर उपाय के समय ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि धागा आप टाइट कस के न बांधें क्योंकि ऐसा करने से वह पीपल का पत्ता फट भी सकता है। पत्ते को हल्का सा मोड़कर आपको थोड़ा सा ढीला धागा बांधना होगा। ध्यान रखें, जब आप उस पीपल के पत्ते में अपनी इच्छा लिख रहे हो तो उसे आपको उस समय यह इच्छा बोल के ही लिखनी है। उसी समय आपको पीपल के नीचे से मिट्टी का थोड़ा सा झुककर हल्का सा अपने माथे पर टीका लगा लेना होगा और थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है। किसी कागज की पुड़िया में आप लपेट कर रख दें। ध्यान रहे दोस्तों, केवल एक चुटकी पीपल के नीचे की मिट्टी ही लेनी है इस उपाय के लिए, इतनी ही काफी होगी। आपको अब क्या करना है, घर के मंदिर में यह मिट्टी रखने के बाद आपको एक दीपक भी जलाना है। घी का आप दिया जला दें और उस समय भगवान हनुमान का आप ध्यान करें और हनुमान जी से अपनी इच्छा को बोलकर बताएं। लिखी हुई मंत्रों से भी आप उनको जाप कर सकते हैं। दोहराते हुए अपनी इच्छा को बताएंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपको एक मंत्र भी बोलना होगा, आप ध्यान से सुने, ओम ह्रीम वट स्वाहा। बस यही छोटा सा मंत्र है,
ओम ह्रीम वट स्वाहा। इस मंत्र को आपको 8 बार बोलना है। इसी प्रकार से आपको 7 दिनों तक यानी कि अगले शनिवार तक यह प्रयोग आपको करते रहना है। अगले शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे फिर से जाना है, वो पत्ता आपको तोड़ लेना है जिसमें आपने अपनी इच्छा मनोकामना लिखी थी, और अब वो जो 7 दिनों से आपने अपने घर में जो मिट्टी इकट्ठा की हुई थी, वो आपको वही मिट्टी आपको दोबारा पीपल के वृक्ष के पास लेकर जानी है, और पीपल के पेड़ के जड़ में, ध्यान से सुनिएगा, पेड़ के जड़ में उस पत्ते को दबाते हुए उस मिट्टी को डाल देना है, और शनिवार से शुरू करके अगले शनिवार तक ही आपको यह प्रयोग करना है। इसके बाद से ऐसे योग बनने लगेंगे दोस्तों कि तुरंत ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रयोग को आपको जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन खास दिनों में करने से आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि यह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता। दोस्तों, यह उपाय के बाद से ही आपको ग्रह नक्षत्र सही होने लगेंगे। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी तथा आपके घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं रहेगी। खुशियां आपके घर में आने लगेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये एक बहुत ही छोटा उपाय तो मैं नहीं कहूंगी, आपको करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कारगर है। गुरुजी ने स्वयं बताया है, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। और छोटा सा मंत्र है, आप उसे याद कर लीजिए और इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा।